minus 3 classes represented by DPS Dhaka, and this video is for class 2. And in this video we will study subtractions. We have already started the subtractions. I have given you a homework to complete up to 3 point exercise 3.2. So we will study how to solve a exercise 3.3. First of all, let us come on board. Topic is regroupings of a numbers. Regroupings of a numbers, why we need to regroup the number? What is essential to regroups? क्यों हमें regrouping का जरूरत पड़ता है? Numbers को हम लोग regroup क्यों करते हैं? ऐसा जानते हैं, कभी कभार होता है क्या, हम लोग rarely देखते हैं कि जो same place value में जो है हमारा जो larger number है जिसमें से हमको subtract करना है, वो जो है यूनिट प्लेस हो या टेन प्लेस हो, वो छोटा होता है। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एक क्वेश्चन है, सब्ट्रैक्ट 66 फ्रॉम 82। इट मीन्स दैट हियर वी कंसीडर दैट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 66 फ्रॉम 82। हमको 82 से में से 66 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हाउ वी विल डू इट, इसमें जो है हमारा क्या है, यूनिट प्लेस पे वंस प्लेस पे देख रहे हैं 2 है और 6 है, अरे 2 इज स्मॉलर देन 6, सो इट इज इम्पॉसिबल टू सॉल्व विदाउट अ रीग्रुपिंग ऑफ अ नंबर्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड रीग्रुपिंग्स ऑफ अ नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल, एज यू नो, 82 means what? 8 tens plus 2 ones. In the same way, 66 means what? 6 tens plus 6 ones. अब जो है हमें क्या करना है, 82 में से 66 को माइनस करना है। So, let us perform here. अब 2 ones, 6 ones. अब यहाँ पे हमको subtract करना है। 2 ones में से 6 ones को minus करना है। तो impossible है, क्योंकि 6 ones is greater than 2 ones. So we will take a 1 tens. इनसे हम 1 tens लेंगे। और 1 tens इक्वल टू 10 ones, जैसे ही हमने इनसे 8 tens से 1 tens को कैरी किया तो हमारा 10 ones हो गया, और पहले से हमारे पास कितना है, 2 ones है, तो टोटल हमारा कितना हो गया, 12 ones हो गया। अब 12 ones से हम लोग 6 ones easily subtract कर सकते हैं। Yes, 6 ones. Yes, जैसे ही हम इससे subtract करेंगे तो हमारा क्या होगा, 6 ones. Now, 8 tens था, अब जो है हमने 1 tens दे दिया तो हमारे पास कितना बचा, 7 tens बचा, और 7 tens में से 6 tens को टेक आउट करेंगे, ले लेंगे, तो हमारे पास 1 tens बचेगा। When we subtract 66 from 82, we get 1 tens plus 6 ones. It means when we subtract 66 from 82, we get 16 as a answer. मतलब जब भी हम लोग 82 में से 66 को माइनस करेंगे तो 16 हमारा आंसर होगा। लेट अस अंडरस्टैंड बाय अ डिफरेंट मेथड। यस, हम लोग जब भी सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड से स्टार्ट करते हैं। अब हमें क्या करना है, 2
टू में से सिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है, तो भैया ये टू तो हमारा वो छोटा है सिक्स से, तो हम इससे क्या करेंगे, एक एक उधार लेंगे। तो ये तो टेंस है, जब भी आएगा तो वन टेंस आएगा, वन टेंस आएगा। तो कितना ये इधर वंस में आते आते ये कितना हो जाएगा, 10 वंस हो जाएगा, 10 वंस। और पहले से आपका टू वंस है, तो टोटल मिलके कितना हो जाएगा, 12 वंस हो जाएगा। अब 12 वन में से 6 वंस को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचेगा, 6 बचेगा, वही 6 यहाँ पे हम लोग लिख देंगे। ठीक है, मतलब इधर से जब भी इधर लेंगे तो ये हमारा 12 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा तो 12 में हम लोग 6 को माइनस करेंगे तो हमारा 6 होगा। इन द सेम वे हमने 1 टेंस दे दिया है तो हमारे पास कितना रह गया, हमारे पास 7 टेंस रह गया, और 7 टेंस में से 6 वंस को 6 टेंस को माइनस करेंगे तो हमारा कितना बचा, 1। इट मींस व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 82 फ्रॉम 62 वी गेट एज अ 16 एज अ आंसर। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व एक्सरसाइज एक्सरसाइज 3.3। इन द सेम वे यू हैव टू सॉल्व 3.3। आपको क्या करना है, 95 में से 38 को माइनस करना है, तो क्या करेंगे, वन कैरी लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, तो ब्रैकेट में से 15 माइनस 8 करेंगे। और मैं आपको करके बताता हूं, एक ये बाय द वे यस। अब क्या करना है, 95 में से 38 को माइनस करना है, तो 5 इज लेस देन 8, सो व्हाट वी विल डू, वी विल गिव अ 1 टेंस, एंड 1 टेंस व्हेन इट कम्स एट द प्लेस ऑफ वंस डिजिट इट बिकम्स 1 टेंस इक्वल टू, 1 टेंस कितना हो जाता है, 10 वंस हो जाता है, और 10 वंस और 5 वंस पहले से है तो 15 वंस, यानी 15 यहाँ पे लिखेंगे, और 15 में से हम लोग 8 को माइनस करेंगे तो कितना होगा। यस यू आर डेफिनेटली राइट, व्हेन वी सब्ट्रैक्ट 8 फ्रॉम 15 वी विल गेट 7। इन द सेम वे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारा नंबर अब 8 है क्योंकि हमने दे दिया, और 8 में से हम जब भी 5 को माइनस कर 8 में से जब भी हम लोग 3 को माइनस करेंगे वी विल गेट अ 5। इट मींस दैट व्हेन वी सबट्रैक्ट 38 फ्रॉम 95 वी गेट अ 57। जब भी हम लोग 38 को 95 से माइनस करेंगे हमारा 57 आंसर होगा। इन दिस वे यू हैव टू डू एक्सरसाइज 3.3। 3.3 इज योर होमवर्क, एंड लेट अस कम ऑन अ वर्ड प्रॉब्लम, यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ आल्सो। दिस इज नथिंग, दिस इज अ सिंपली अ सब्ट्रैक्शन, सो यू हैव टू डू 3.4 ऑल्सो, आपको 3.4 भी करना है। ठीक है, और अब जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, अगले क्लास में एडिशंस ऑन अ नंबर ग्रिड्स, और ये नेक्स्ट टॉपिक होगा, और चेकिंग सब्ट्रैक्शन यूजिंग एडिशंस, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा। फॉर टुडे योर क्लास एंड्स हियर, यू हैव टू कंप्लीट वर्ड प्रॉब्लम 3.4 एज वेल एज एक्सरसाइज 3.3। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।